नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। पीवीआर स्टडी की ऑनलाइन सेवा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक चिंगारी टूटकर अंगार बनती है, एक चिंगारी टूटकर अंगार बनती है, एक टहनी टूटकर पतवार बनती है। जिसे रौंदा गया हमेशा बेबस समझकर, वही मिट्टी से एक दिन मीनार बनती है। तो कभी भी जिंदगी में हताश नहीं होना। आज का हमारा जो चैप्टर होगा, टॉपिक होगा, वो होगा द्विघात समीकरण, जिसे सेकंड डिग्री इक्वेशन बोला जाता है। अर्थात आपने समीकरण के बारे में सुना होगा, लीनियर इक्वेशन, मतलब एक घात का समीकरण, है ना। सेकंड डिग्री इक्वेशन मतलब दो घात का समीकरण, थर्ड डिग्री इक्वेशन मतलब तीन घात का समीकरण। ये समीकरण होता क्या है, इसी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हमारा फोकस होगा द्विघात समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित। इस क्लास का टाइम जो होता है लाइव मंडे टू फ्राइडे, वो सुबह 8 बजे से होता है, और कभी कभी इस क्लास को शुरू होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, नहीं तो 8 बजे से होता है। तो आप पर डे 8 बजे सुबह से देख सकते हैं इसको। केवल सैटरडे और संडे को ये क्लास नहीं होती है। जैसे कि आपके सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू इंटू एक्स माइनस थ्री। अब ये बताइए, इसको हम कैसे बता दें कि ये द्विघात समीकरण है। जैसे कोई एक बंदा या लेकर एक बंदी आओ, किसी को लेके आओ, उसको एक मुखौटा पहना दीजिए। मतलब आपने देखा होगा अक्सर होली में बच्चे मुखौटा पहनते हैं, शेर का, बंदर का, है ना। तो आप कैसे जानेंगे कौन है, पहले उसके मुखौटे को निकालना होगा, तभी तो पहचान पाएंगे। तो वैसे क्या है, ये एक मुखौटा पहना हुआ है, जो इसके बगल में भी है, इधर भी है। अभी इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहले इसको फाइनल हल करेंगे, हल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो द्विघात समीकरण होगा। लेकिन द्विघात समीकरण जाने के कैसे कि है कि नहीं है। जैसे आप किसी के घर जा रहे हैं, वो आपके सामने ही खड़ा है, उससे आप पूछते हैं भैया फलाने का घर कहाँ है, तो वो कैसे उसको जान पाएंगे। अगर आप पहले से पहचानते होते तो देख कर जान जाते ना, तो पहले हम आपको पहचान बता देते हैं। द्विघात समीकरण में अधिकतम दो घात होती है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x प्लस 1 इक्वल 0 है, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0 है। अब आप लोग कहेंगे कि क्या एक्स की घात रहेगा तभी द्विघात होगा, ना बाबा ना, एक्स की घात नहीं, इसमें किसी भी चर की घात होनी चाहिए। जैसे एक्स की जगह पे आप इस पे वाई भी कर सकते हो, बी बी सी भी, कुछ भी। मतलब इस फैमिली में अधिकतम घात दो होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना। अगर यहाँ पे 3 घात हो गई तो अब ये द्विघात समीकरण नहीं रहा, अब ये 3 घात का समीकरण बन जाएगा इस स्थिति में। तो मतलब समझने की कोशिश करिएगा, समझ गए ना। तो चलिए इसको हम हल करके देखते हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आपसे हमारी विशेष रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इस क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है। इस समय अगर हम बात करें, वैसे तो नहीं वो करना चाहिए, 2:03 और कुछ सेकंड हो रहे हैं, लेकिन आप इस क्लास को सुबह 8 बजे देखेंगे। आज काफ़ी लेट हो गया था ये क्लास बंद करने में, शाम के टाइम में जो कि स्पेशल क्लास हो रही थी, तो लेकिन सुबह देर हो जाता, आपकी क्लास टाइम से ना हो पाती, इसलिए हमने सोचा कि इसको पहले से ही रिकॉर्ड कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें आप एक फार्मूला लगाएंगे जो कि बहुत ही चिरपरिचित फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिससे आप लोग जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर। इसको आप ओपन कर देंगे इधर साइड वाला, और इधर इक्वल लगा के वैसे लिखते जाएंगे। तो फार्मूला बीच में अगर हम लिखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, पारदर्शिता नहीं बनेगी, इसलिए इसको मिटा देते हैं। इस फार्मूले में रख के हम आपको इधर जरूर दिखा देंगे, जिससे कि आपको कोई सिकवा शिकायत ना रह जाए, है ना। तो ये भाई फार्मूला होता है, इससे आप लोग बचपन से ही परिचित होंगे, है ना परिचित। तो देखिए आप क्या करेंगे, जहाँ पर ए है वहाँ पर एक्स, जहाँ पर बी है वहाँ पर वन रखेंगे। अगर कहीं कोई गलती होती है तो ध्यान दीजिएगा, बताइएगा, कोशिश रहेगी कि बिल्कुल कुछ ऐसा ना हो। ए की जगह पर एक्स रखा, और ये 2 × a की जगह पर एक्स, और बी की जगह पर 1, और धन बी की जगह पर 1। इस तरह से हमें जो मिला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना जी, एक तो मिलेगा, कुछ और मिलेगा, क्लियर। तो ये फाइनल में इधर साइड आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1,
इक्वल इसका गुणा कर लेंगे अंदर में तो ये हो जाएगा भाई 2x - 2 का 3 में 6। आया समझ में? देखिए 2x इधर आएगा तो ये 2x प्लस है, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए आप इधर मत लाइए, उधर काट पीट के निपटा दीजिए। और ये x स्क्वायर प्लस 1 है, ये 6 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस है उधर, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 1 में 6 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 7। चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं, वैसे बढ़ाना नहीं चाहिए था। देखिए ये उधर साइड 0 हो जाएगा ना जी भाई, एक तो कट गया, एक इधर आ गया, तो इधर बचा कौन, 0 बचा ना। अब देखिए आपके सामने ये फाइनल में आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7 क्या आया, मैं यहां साफ साफ लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अभी हमने आपको परिचित कराया था द्विघात समीकरण से, समझ गए ना, घात अधिकतम 2 है इसलिए द्विघात समीकरण है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था बुक में, कह रहा जांच कीजिए मतलब प्रूफ दैट क्या निम्न द्विघात समीकरण है, इसकी जांच कीजिए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, समझ गए ना। तो जल्दी से आप लोग इसको छाप लीजिए, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हो गया, सभी लोगों ने नोट कर लिया। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में का नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको केवल ये बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, लेकिन जब तक आपको उत्तर नहीं आएगा ना तो भगवान का नाम लेकर के लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए भगवान का नाम मत लीजिए, बस अपना दिमाग लगाइए। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल माइनस 2 × 3 - x, क्या है माइनस 2 × 3 - x, कह रहा क्या ये द्विघात समीकरण है, अभी तो लग रहा है, क्यों, क्योंकि इधर साइड देखिए द्विघात लगा है। अब आप इसको देखिए ऐसे चुपके से बता दिए हाँ द्विघात समीकरण है, लेकिन नहीं है, क्यों नहीं है, वैसे सेम उसी तरह से जैसे कोई इंसान है जो अपने हाथ में इस समय 10,000 रुपया लिया है, या मानते हैं 1,00,000 रुपया लिया है, आपने देखा उसको और कह दिया हाँ ये तो 1,00,000 रुपया लिया, बहुत धनवान है, लेकिन आप उसका बैकग्राउंड नहीं जानते, उसने कितना कर्जा लिया है, 10,00,000, 20,00,000 का कर्जा लिया है, तो उसके पास है कुछ भी नहीं है, मानिए एक प्रकार से जिसके पास 1,00,000 या 10,000 रुपया है और उसने 10-20 लाख या फिर 10-20 मतलब बहुत सारा कर्जा लिया है, तो क्या है, कुछ नहीं है ना। उसी तरह से क्या है, इसकी घात तो यहाँ आपको लग रही है कि 2 है, लेकिन अभी इसके जो ये इधर है ना पीछे साइड में अपोजिट साइड में, अभी देखिए क्या करते हैं, इसका क्या होती है घात वगैरह कहाँ जाती है, पहले कंप्लीट हल कर लेंगे तब हम बता सकते हैं है या नहीं है। चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल इसका अंदर में गुणा करेंगे, माइनस 2 का गुणा करेंगे 3 में 1 प्लस 1 माइनस है, आप लोग 10th में पहुंच चुके हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा -6 और माइनस 2 का x में होगा माइनस, माइनस दोनों है तो ये हो जाएगा प्लस में और 2x। आई बात समझ में, जिसको नहीं आई वो सुबह माफ करिएगा शाम को 7:30 बजे की 0 लेवल कर देखिए। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये 6 इधर आएगा तो 6 हो जाएगा, इक्वल उधर 0 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस जुड़ेगा, तो याद रखिएगा जुड़ने पे कभी माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, अगर गुणा होता तो प्लस हो जाता, तो ये क्या होगा माइनस माइनस, ये 2 × 2 = 4x हो जाएगा प्लस 6 = 0। इस तरह से ये भी क्या है एक द्विघात समीकरण है, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। हो गया, तो इसमें अब आप लोग 2 कर लिए हैं, तीसरा तो कर ले जाएंगे, कोई बताने की जरूरत नहीं, और अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, हमारी बिल्कुल कोशिश होगी कि आपको कोई टेंशन ना हो, कोई दिक्कत ना हो, आपकी क्लास बिल्कुल बहुत मस्त चलेगी। जिन लोगों के अभी कमेंट्स आ रहे हैं उनके जवाब नहीं मिल पा रहे होंगे, आप लोग जब ये प्राइमर खत्म हो जाएगा तब कमेंट करिएगा या ऊपर दिखाए गए नंबर पे आप मैसेज करिएगा, आपको बिल्कुल सलूशन मिलेगा।
इसमें का आप लोग दो कर चुके हैं, तीसरा चौथा खुद से कर लीजिएगा। पांचवा एक क्वेश्चन है जिसे मैं आपको बताने वाला हूँ, पांचवा बहुत अजीब सा है, थोड़ा सा अजीब सा है बस, ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, देखिएगा नंबर पांचवा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल होता है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। देखिए मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अक्सर लोग नशा करते हैं ना, कहते हैं कि नशा बहुत बुरी चीज होती है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, अच्छा होता है, लेकिन वो अच्छी बातों का होता, ठीक है। तो अब ये नशे की ही बात है एक प्रकार से, जो आपकी क्लास इस टाइम हो रही है, आप लोग इसे देखेंगे तो सुबह, लेकिन इस समय जो सुकून महसूस होता है ना, शायद वो दिन में नहीं होता है। अगर आप चाहें तो अच्छी से पढ़ाई कर सकते हैं रात में, उस टाइम आपको कोई ना दरवाजा पीटने वाला होगा, ना कोई खेलने के लिए बुलाने वाला होगा, और ना ही कोई आपके घर का कोई कार्य बताएगा आपको कि भाई ये काम कर लो तो पढ़ो, ठीक ना। तो बहुत बेटर टाइम होता है रात में 11 से लेकर सुबह 4 बजे तक। आगे चलें, इधर आपका फार्मूला कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो कुछ है सब ओपन है, पारदर्शी है, इसको ऐसे उतार लो कुछ भी बिना किए चुपके से। इधर फार्मूले में रख देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू और ए और बी, मतलब ये हो जाएगा 4x। कोई दिक्कत नहीं ना, 2ab में रख दिया, माइनस वाला था ना जी ये, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, 4। कैसे, इसका फार्मूला ये होता ना जी, इधर देखिए मैं थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ आपको शॉर्ट में, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, यही तो होता है। अगर आप इसको ऐसे लिख लेते हो तो कोई बुराई नहीं है, ये ऐसे, क्योंकि कुछ लोग इससे परिचित होंगे, उससे नहीं होंगे तो कह रहे होंगे ये भगवान ही कैसे आ गया, अभी तो हम ये जानते थे इसको कैसे लिख दिया, इसको जानते थे इसको कैसे लिख दिया, तो दोनों एक है, इधर से खींचेंगे तब उतने दर्द होगा, अगर ऐसे पकड़ेंगे तब भी दर्द होगा, समझ गए ना। तो ये वैसे ही किया गया। अब ये माइनस थ्री एक्स और ये प्लस, इधर से इधर आएंगे प्लस हो जाएंगे तो ये जुड़ जाएंगे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, टेंथ की मैथ आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि जीरो लेवल मैथ में आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि थोड़ा हाई लेवल पढ़ाइए, तो ये थोड़ा हाई लेवल है। इसमें देखिए ये प्लस वन है और ये इधर क्या है, प्लस फोर है, दोनों प्लस प्लस है, दोनों अपोजिट है, टकराएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो क्या होगा, ये घट जाएंगे इधर आएंगे, और घटेंगे तो माइनस में उत्तर आएगा 3=0। और हाँ, इतना ही नहीं, जितना दम इधर है उतने दम इधर है, तो क्या होंगे, बराबर बराबर की टक्कर होती है ना तो जीरो हो जाते हैं, एक नरम एक गरम होना चाहिए तभी कुछ बचता है, वरना कुछ नहीं बचता है। अक्सर आपने देखो अगर रोड पे, अगर उस समय जब कोई दो बड़े वाहन या छोटे वाहन बहुत तेज स्पीड में आ रहे हैं और आमने सामने टक्कर होती तो क्या होता है, दोनों खत्म हो जाते चकनाचूर। लेकिन अगर उसमें कोई बड़ी गाड़ी है कोई छोटी है तो क्या होता है, बड़ी वाली तो बच जाती है, छोटी वाली चटनी हो जाती है। तो वैसे इसमें क्या है, ये सब हम क्यों बताते हैं आपको, इसलिए बताते हैं जिससे ये सब आपको भूले ना। इसमें x का स्क्वायर था, इसमें भी x का स्क्वायर था, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो दोनों बराबर घात का है, कट पीट के जीरो हो जाएगा। इसे आप बिना कुछ किए ऐसे जीरो कर सकते हो, ये लो कट गया, यही काट दो, तो कट गया वहीं, तो यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ये बराबर जीरो था, इसको ऐसे अच्छे से लिख लो। अब ये 7x बराबर 3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x बराबर 3/7। यहाँ आप एक बात महसूस कर रहे होंगे, फील कर रहे होंगे कि x पे तो कोई घात आई नहीं, ये तो अकेला हो गया, तो दिस इज नॉट सेकेंड डिग्री क्वेश्चन, ये द्विघात समीकरण नहीं है, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे चलते हैं। द्विघात समीकरण को क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों ने देख लिया, ठीक है।
तो छठवां क्वेश्चन भी आपको दिखा दें क्या हम? छठवां आप लोग कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना? आगे चलें। हाँ, आपको एक बात बता दें, आप लोग पढ़ रहे थे रियल नंबर वास्तविक संख्या है ना, तो कुछ लोगों के मन में ये सवाल गूंज रहा होगा कि भाई ये क्लास कैसी होती है, कभी तो नंबर सिस्टम होता है। ओ सॉरी, नंबर सिस्टम तो 10th में नहीं है का, मतलब जो भी है इसमें अलग अलग पार्ट में है, कभी तो समांतर श्रेणी होती है, कभी रियल नंबर होता है, कभी त्रिकोणमिति शुरू हो जाता है, कभी द्विघात समीकरण, ये सब क्या माजरा है? देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, आपका जो समांतर श्रेणी था वो खत्म हो गया चैप्टर, ठीक है? त्रिकोणमिति में कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था उसके बारे में, ये आपको दो क्लास में दिखा दिया गया, वो हो गया एक किनारे। अब बात आती है आपकी वास्तविक संख्या की, तो वास्तविक संख्या में दो क्लास आपकी हो गई, दो क्लास, कुछ क्वेश्चन उसमें टफ हैं जो कि अभी आपको उसको पढ़ने के पहले इसको पढ़ना जरूरी है, तो इसलिए हम आपको द्विघात समीकरण करवा दे रहे हैं, उसके बाद उसके आगे जहां तक आप पढ़े हैं उसके आगे वहीं से शुरू हो जाएगा, उसको आप पढ़ लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं अगर छत पे चढ़ना है भाई तो सीढ़ी सीढ़ी चढ़ोगे तो आसानी होगी, क्योंकि नीचे से जंप लगा के छत पे नहीं जा पाओगे। हाँ, छत से जंप लगा के नीचे आ सकते हो, लेकिन उसका भी परिणाम बुरा होगा, ठीक ना? तो वैसे क्या करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, जरूरी नहीं कि जो चैप्टर हमने शुरू किया है उसको पूरा खत्म कर देंगे तभी अगला शुरू करेंगे, आप उसी पर रुक जाइए, उसमें जो टॉपिक आ रहा है जो आपको समझना जरूरी है, अगर वो दूसरे पार्ट में है उसको समझ लीजिए और फिर उस पार्ट को स्टार्ट करिए, ठीक है? तो द्विघात समीकरण का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको हम आगे बढ़ा देंगे कुछ सवाल, जब इसका टॉपिक उसमें क्लियर हो जाएगा तो नंबर सिस्टम आपका वो जो सॉरी क्या बोलते हैं रियल नंबर वास्तविक संख्या यानी पहला चैप्टर जो था वो आगे हो जाएगा खत्म। अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया पीवीआर स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, अगर आप इस क्लास को मैथ आसान है चैनल पर देख रहे हैं तो उसे भी कर लें सब्सक्राइब। इसके अलावा अगर आप इस क्लास को फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर आए, वहां पर सर्च करें पीवीआर स्टडी, पीवीआर स्टडी इंडिया का एक फेवरेट यूट्यूब चैनल। और हाँ, इतना ही नहीं, आप pvrstudy.com विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पे, यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध होंगे, तो आप इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं डेली रेगुलर और क्लास 10th का मैथ घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर JYN ज्वाइन लिख करके भेजें, और भेजने के पहले ध्यान दें, इसके लिए आपको 500 रुपये का पेमेंट करना होगा, 500 का सिर्फ एक बार करना होगा, अगर आप कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ करके तब, नहीं तो आप YouTube पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखें, आपको पहली क्लास मिल रही है, दूसरी मिलेगी, तीसरी मिलेगी, फिर पांचवीं छठवीं नहीं मिलेगी, सातवीं नहीं मिलेगी, फिर नौवीं दसवीं फिर मिल जाएगी, ग्यारहवीं बारहवीं मिल जाएगी, ऐसे आप YouTube पर पढ़ते रहें। अगर आप चाहते हैं कि सब मिले आपको, आपको जो नहीं आ रहा बताया जाए, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर लें। अगर आपके दिल में कोई सवाल चल रहा है जो आप लोग कहना चाहते हैं तो उसे निसंकोच आप कमेंट करके बताएं, या फिर आप हमारे टीम के माध्यम से उस सवाल को शेयर करें, इस नंबर पे फोन कॉल भी कर सकते हैं। तो सारी बात क्लियर हो गई ना, अगर कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर दीजिए इजाज़त, फिर से मिलते हैं आपकी एक नई क्लास में एक नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन याद रखिएगा तेरे गिरने में हार नहीं, क्योंकि तू इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ और फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार, तो अगर एक बार कोई असफल हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो विद्युत का बल्ब आप देख रहे हैं रोशनी जलती है ना, इसको बनाने वाले एडिसन ने 1200 से अधिक प्रयोग किए थे, 1200 प्रयोग, उन्होंने ऐसे नहीं किया था कि सुबह 10 बजे शुरू किया शाम को 4 बजे खत्म कर दिया, सुबह 10 बजे शुरू किया तो 5वें दिन सुबह 10 बजे भी नहीं खत्म हुआ, कब रात हुई कब सुबह हुई कुछ पता नहीं चला, तो कुछ बेहतर करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो चाहते तो वो भी टाइम टाइम से खाना पीना घूमना टहलना सारे प्रक्रिया करते और फिर काम करते, ऐसे ऐसे ना लाइफ बीत जाती कभी दुनिया में विद्युत का बल्ब ना जलता। हाँ, हो सकता है कोई दूसरा आता और कोई दूसरा व्यवस्था होती तो आप देखते अलग माध्यम से लाइट को, समझ गए ना? तो ये मैंने क्यों बताया, मैंने ये सब बातें इसलिए बताया आपको, और बीच बीच में इधर उधर की बातें इसलिए बताता हूँ जिससे आपको
कभी निगेटिव ना फील हो, मतलब नकारात्मक भाव, जानते हैं ना कोई। तो चलते हैं दोस्तों, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतना महत्वपूर्ण टाइम दिया, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद जय भारत, फिर से आपकी अगली क्लास एक नई उम्मीद के साथ। तो शाम को 7:30 बजे जीरो लेवल मैथ जरूर देखिएगा, आप लोगों की बहुत सारी मांग रहती है जीरो लेवल मैथ की, है ना। थैंक यू।